कुल देवता और पितरों ते धे लगांदो, चला आज आप ते कुछ नयू बथांदो। दाना शाणो ते मेरु हाथ जोड़ी प्रणाम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो दोस्तों, आज एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये एक वास्तविक कहानी है। पहले इस कहानी की कल्पना हुई थी, पहले ये कहानी काल्पनिक थी, लेकिन बाद में ये कहानी वास्तविक हुई है। आज हम बात करने वाले हैं इस मंदिर की। ये मंदिर क्यों है, किस देवता का है, किस लिए बना और कहानी क्या है। कहानी बड़ी मज़ेदार होने वाली है, तो चलो शुरू से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कहानी है इस मंदिर की जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है। अभी ये पूर्णता बना नहीं, अभी इस पे थोड़ा कुछ काम चल रहा है। आपको बता दूं कि पहले आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा कि क्या कोई सोल आपके सपने में आके आपको संकेत देती है कि आपने एक प्रॉमिस किया है और आपने वो प्रॉमिस पूरा नहीं किया। ऐसा ही कुछ हुआ है, मतलब मेरे साथ हुआ है, लिटरली आपके साथ ये कहानी शेयर कर रहा हूँ। और अगर आप लास्ट तक बने रहोगे तो आपको मज़ा भी ज़रूर आएगा, रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम गढ़वाली शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, और आजकल हाल फिलहाल में तो कोई फिल्म आई नहीं है। तो आज से 8 मंथ पहले हम रिवर्स करते हैं कहानी को। तो आज से 8 मंथ पहले, यानी कि लगभग 2023 के अप्रैल मंथ की बात है, मार्च लगा लो। कंतारा उस टाइम आई थी, कंतारा बहुत चल रही थी। तो जब हमने कंतारा मूवी देखी तो भाई साहब क्या मूवी थी। तो सोचा कि यार ऐसी कोई मूवी बनानी है जो रियलिस्टिक हो, और ऐसे ही कोई देव को खोजना है जो हमारे उत्तराखंड से बिलोंग करता हो, और ऐसी कुछ कहानी बनानी है, क्योंकि उस कहानी से बहुत ही मोटिवेट हो गए थे। तो फिर रिसर्च किया इंटरनेट वगैरह पे, तो हमारा एक फेस्टिवल आता है फूल दे त्यौहार, जो कि मार्च के महीने में मनाया जाता है। तो उस पे थोड़ा रिसर्च किया, तो फूल देव त्यौहार के बारे में आपको पता है, एक ही स्लोगन लगता है, दे माई दाल च्यू घोग्या देवता प्यूलिया फूल। तो ये मार्च में आने वाला 8 दिन का त्यौहार होता है। तो हमने इस पे रिसर्च की, हमने कहा ये ठीक है, इस पे कुछ कहानी लिखते हैं। तो उस टाइम पे हमारे DOP थे धीरज गोदयाल जी। तो मार्च में उसका जब त्यौहार हो गया था, उस दौरान हम स्क्रिप्ट लिख रहे थे। तो हमारे यहाँ एक सीन क्या हुआ कि घोग्या देवता के 8वें दिन होता है अठवाड़ा, गढ़वाली में बोलते हैं 8वें दिन को अठवाड़ा। तो उसका खाना खुना बनता है और देवता की पूजा होती है। आपको एक चीज़ बता दूँ कि गढ़वाल में बहुत कम ही जगह होंगे जहाँ पे घोग्या देवता का मंदिर होगा। घोग्या देवता को क्या होता है कि 4 पत्थर ऐसे खड़े कर देंगे, और एक मंडूला टाइप, मंडूला बोलते हैं कि समतल टाइप का, उस पर ऐसे त्रिकोण वाली छतनी होती, तो मंडला टाइप के उसके मंदिर होते हैं छोटे छोटे। और मार्च में जब फूलदेव का त्यौहार आता है तो 8 दिन तक उसे पूजा जाता है। तो हमारे यहाँ भी एक जगह पे छोटा सा ऐसे पत्थर का मंदिर था। तो हमने सोचा कुछ कहानी ऐसे मसालेदार बनाते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी थी, कहानी का नाम था, आप अगर यूट्यूब चैनल पर देखोगे हमारे, उसका नाम था अंतिम इच्छा। उसमें एक्ट किया था सीनू नेगी ने, अंसी नेगी ने, सक्षम नेगी, नरोत्तम भट्ट लोगों ने। तो कहानी ये थी कि सीनू नेगी जो माँ बनी है, एक माँ, एक औरत है, और वो चाहती है कि घोग्या का मंदिर बने। ये हमने कल्पना की थी, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि छोटे छोटे मंदिर होते हैं, और 8 दिन का साल में एक बार पूजा जाता है 8 दिन के लिए बस, लेकिन उसके लिए भी मंदिर बड़े नहीं हैं। तो हमने सोचा कहानी में करते हैं कि एक औरत है, वो मंदिर बनाना चाहती है, लेकिन उसको उसकी क्या होती है, डेथ हो जाती है। अगर आपने कहानी देखी होगी, वो जंगल जाती है, उसके पीछे बाघ पड़ जाता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन उसकी अधूरी ख्वाहिश रह जाती है। तो वह क्या करती कि अपनी बेटी के सपने में आती है, बेटी को उसके पिताजी शहर ले जाते हैं छोटे में। तो अब उसके विज़न आने बैठते हैं लड़की के, कि माँ आ रही है और कह रही कि मेरी जो ख्वाहिश थी उसे पूरा करो, कि घोग्या का मंदिर बना दो। और वो लड़की घर आती है तो फिर होता ही है कि जब भी हम या बीमार होते हैं या कुछ करना होता है, तो सबसे पहले अपने स्थानीय देवता से पूछ करते हैं। तो कहानी में हमने ऐसा दिखाया था कि वो पूछ करते हैं, फिर वो घोग्या के मंदिर को बनाते हैं, ताकि माँ की आत्मा और ख्वाहिश जो है वो पूरी हो जाए। अब वो मंदिर बनाते हैं, और मंदिर बनाने के समय पे वो घोग्या की जात निकाल देते हैं, ऐसा कहानी में हमने दिखा रखा है। तो वो जात निकालते हैं, तो उसका सेटअप करने के लिए हमने क्या किया था कि रियल दिखाने के लिए, हमारा जो गाँव है बजीरा, बहुत बड़ा गाँव है, तो हर मोहल्ले की एक एक डोली मंगाई थी, क्योंकि हर मोहल्ले में घोग्या को अलग पूजा जाता है,
जैसे राणा लोगों का अलग है, नीचे नेगी लोगों का अलग है, राउत लोगों का अलग है। तो ऐसे करके हमारे इधर 6 जगह घुग्गिया पूजा जाता है, 6-7 जगह। तो हमने रियल दिखाने के लिए बच्चों को बुला लिया, बच्चों का सहारा लिया क्योंकि छुट्टियों का टाइम था। तो बच्चे सारे आ गए, डोली अपनी अपनी डोली लेके डोली सजा के, तो बच्चे लोग आए और फिर हमने 6-7 डोलियाँ इनवाइट की थी। तो होता ही है कि अगर स्पिरिचुअल काम कर रहे हो, भले स्क्रिप्टेड था तो हम स्पिरिचुअल काम कर रहे थे, तो जैसा होता है पारंपरिक तरीके से पिठाई लगाई, उनके छोटे छोटे रावल होते हैं जो कहा जाता है कि घुग्गिया देवता नगेला के मामा थे, ऐसा मानते हैं कि वो बड़े हुए देवताओं के बड़े हैं। अब शूट को रियल दिखाने के लिए हमने डोलियाँ इनवाइट की, तो डोलियों को अपने चौक पे बैठाया, उन पे मिठाई वगैरह लगाई। तो जैसे कि आपको पता है उत्तराखंड है, जो पहाड़ों में रहता होगा ना वो इस कहानी पे पूरा बिलीव करेगा, और जो थोड़ा आउटसाइड है जिन्हें इस चीज़ का बारे में पता नहीं होता कि जो हमारे यहाँ होते हैं स्पिरिचुअल चीज़ें, तो देवता खुद अवतरित हो जाते हैं ऐसे मौक़ों पे। तो उस टाइम पे, उससे पहले एक छोटी कहानी मैं मिस कर रहा हूँ कि जब फूलदेव त्यौहार था तो 8 दिन के अठौड़े में ढोल वाला नहीं आया, पूजा तो हो गई, अब हमारे जो घुग्गिया देवता आते हैं जिस रावल पे बच्चे पे आते हैं तो नाराज़ हो गए कि भाई तुमने ढोल नहीं मंगाए। तो जो उनकी डोली थी, अब जो पहाड़ का होगा तो वो समझ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, जो उनकी डोली थी तो खुद ऐसे हिलने बैठ गई। ये रियल होता है, जैसे बाहर का देखें ना वो कहेंगे कि ये दो आदमियों ने डोली पकड़ रखी है कंधे पे और खुद नचा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो डोली खुद, जो डोली पकड़ने वाले होते हैं डोली और बोलते हैं गढ़वाली में, तो वो डोली उन्हें खुद घुमाती है और जहाँ उसको जाना होता है उस तरफ भागती है। तो छोटी सी डोली उन्होंने कंधे पर रखी हुई दो लड़कों ने, तो वो डोली उनको लेके भागते भागते एक राउंड करके फिर उसी चौक पे आ जाती है। और जो उसने वस्त्र होते हैं खोल टाइप के, कवर लगा लो, तो उसने अपने कवर को फेंक दिया, मतलब एक शक्ति लगा लो कि सामने हमें दिखाई दे रही कि एक लकड़ी की डोली, ऐसे छोटी सी डोली कंधे पर रखी है और वो खुद ऐसे मूवमेंट कर रही है। उसने अपने कपड़े फेंक दिए, उसके अंदर एक घंटी टंगी थी, वो घंटी जोर से बजने लगी, मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटी आपके सामने हो रही है और घंटी बजे जा रही है और देव आ रहे हैं। तो कहते हैं कि घुग्गिया देवता क्या होता है, जो बिच्छू घास होती है उसको खाते हैं, लिटरली पहाड़ के लड़कों को पता होगा कि अपने पे लगाते हैं, खाते हैं और बच्चों के पीछे भागते हैं, मतलब प्रसाद देते हैं एक तरफ से। तो हमसे घुग्गिया देवता नाराज हो गए क्योंकि ढोल वाला आया नहीं। तो हमने भाई माफ़ी मांगी, मैंने कहा कि मैं बना रहा हूँ मूवी, मैं तुम्हें ना चाहूँगा, मतलब मार्च में कह दिया। अब हमारा शूट हुआ अप्रैल के फर्स्ट वीक से, तो शूट हुआ जैसा मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था, और मुझे शूट भी करना था, स्क्रिप्टेड था, तो मैंने ढोल मंगा दिया। तो सारी डोलियाँ आ गई उस दिन, 6 डोलियाँ गाँव से इन्वाइट थी, तो 5 डोलियाँ, 6 डोलियाँ छोटी छोटी थी और एक डोली बड़ी थी। तो जो बड़ी डोली थी तो वो थी पुंडीर लोगों की, तो उस डोली पे ऐसा फिक्स नहीं था कि घुग्गिया की है, उन्होंने ऐसी मन में मान रखा था कि नगेला की है बस, क्योंकि वो महिला मंगल दल उन्हें कार्यक्रमों में ले जाती थी। तो हमने वो 6-7 डोलियाँ अपने चौक में बुलाई, जैसे ही वाद्य यंत्र बजे तो भाई साहब वो देखने वाला सीन था, डोलियाँ नाचने बैठ गई, ये मूवमेंट कर रही, ये इधर उधर, बच्चे बोले ये क्या हो रहा है, होता ही है स्पिरिचुअल चीज़ है और देव शक्तियाँ हैं, तो वो नाचने बैठ गए और जितने देवता होते हैं नरसिंह खत्रपाल जो हमारे लोकल स्थानीय देवता होते हैं आने बैठ गए, लगभग वहाँ पे 10-15 देवता भी आ गए क्योंकि माहौल ही ऐसा था। अब आ गए तो चावल, आपको पता है अक्षत फेंकने बैठ जाते हैं, फिर वो चावल फेंकने बैठ गए कि हम तुम्हारे साथ हैं, करो तुम इस कार्य को। हमने कहा ठीक है देवता, आशीर्वाद रखना, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी कुछ हर लिए भी जाते हैं, मतलब बेहोश टाइप के भी हो जाते हैं, कुछ डर होता है, एक जो पहाड़ी होगा तो वो समझ ही रहा होगा, लेकिन जो शहरी है उसके लिए थोड़ा नया है, लेकिन अगर ध्यान से सुनोगे तो आपके भी समझ आएगा। तो उस मोमेंट पे क्या होता है कि जब देवता लोग आते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न हो रही है, उसके साथ नेगेटिव एनर्जी भी चलती है, मतलब गढ़वाली में बोलते हैं कि बयालचनी, जब देव आते हैं ना तो उनके साथ एक फोर्स होती है, फोर्स, तो वो भी चल रही होती है लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी होती है, तो उसको बचाने के लिए देवता अक्षत फेंकते हैं। तो हमसे एक गलती हो गई थी वहाँ पे, क्योंकि हम हमारे जो कुल देवता है नरसिंह, अब उनको बुलाना भूल गए, इनवाइट करना भूल गए, हमने तो स्क्रिप्टेड किया था, हमें क्या पता ये देव कार्य है और स्क्रिप्टेड है, तो हम उन्हें इन्वाइट करना भूल गए, वो नाराज़ हो गए। फिर वहाँ पे थोड़ा रथ चल गया, गढ़वाले बोलते रथ चल गया, तो वहाँ पे सारे देवता आ रहे, सारे विकराल टाइप के हो गए कि
अगर हम नहीं होते तो भाई तुम अभी हर लिए जाते ये वो, क्योंकि वाद्य यंत्र ऐसी पावर होती है उनमें कि कोई भी देव प्रकट हो जाए। तो वहाँ पे बहुत सारे आने बैठ गए, आत्माएं, भूत, दादा लोग, पितृ देवता, तो बहुत सारे आगे जैसे तैसे माफ़ी मांगी, कंट्रोल किया। तो जितने भी हमारे यहाँ पे लोकल मंदिर थे, तो शिवदेव माता, नगेला देवता, तो इन सब मंदिरों में हमने घोगे को ले गए, थोड़ा नचाया वाद्य यंत्र के साथ। अब क्या करना था, हमें एक सीन दिखाना था कि गांव के बीच में एक फील्ड है और उसमें बहुत सारे लोग बैठ के वो कोथिक देख रहे हैं और राउंड राउंड में डोलियां नृत्य कर रही हैं। तो हमने वो सीन बनाया, हमें लगा कोई आएगा नहीं, अब भाई देव कार्य है, एक देव शक्ति ही लगा लो। लोगों ने जैसे वाद्य यंत्र सुने तो वो ज़्यादा भी नहीं, पर एक सही मात्रा में कुछ लेडीज आ गई देखने। तो वहाँ पे जो बड़ी डोली थी, तो हमारे कुल जो हमारे गांव के देवता है, प्रथम पूजनीय देवता जो इस पट्टी के देवता हैं, नागेंद्र देवता, तो उस डोली पे नागेंद्र देवता आने बैठ गए। नागेंद्र देवता का काम क्या होता है कि जो बाकी के देवता होते हैं उनका आह्वान करना होता है। तो वो छोटी डोलियों पे भी आने बैठ गया ढोल की धुन के साथ, तो राउंड मारने बैठ गई मंदिर का, उस बिंदी का, घंडियाल की बिंदी। तो जहाँ पे हम डोलियाँ नचा रहे थे तो वो है घंडियाल, जो कि भूमि के भूमियाल हमारे घंडियाल देवता है। तो घंडियाल देवता के मंदिर में डोलियाँ नृत्य करने बैठ गई, कोई इधर भाग रही, कोई उधर भाग रही। तो लड़के बोल रहे कि भाई हम तो हवा में उड़ रहे, हमने तो स्क्रिप्टेड सोचा था, लेकिन स्क्रिप्टेड कुछ भी नहीं हो रहा था क्योंकि सब देव कार्य था। और हमने उसको रियल बनाने के लिए सारी डोलियों को थोड़ा सजा धुजा रखा था, उनके लिए निशान बना रखे थे, निशान मतलब डंडा टाइप के होते हैं, त्रिकोण टाइप के। तो रियल दिखाने के लिए सब भीड़ थी, डंडे टाइप के निशान थे, डोलियाँ थी, हमें लगा कि हम नॉर्मली थोड़ा करेंगे और वीडियो के लिए कर देंगे, लेकिन जो स्क्रिप्टेड था वो हुआ नहीं, और जो हुआ वो उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। अब भाई साहब डोलियाँ नाच रही है, लोग अक्षत लेके आ रहे हैं, देवताएँ आ रहे हैं और बहुत सारे भेंट रहे हैं। तो उस मोमेंट पे थोड़ा ये था कि मूवी के सीन मिली गए, और हमने भी देवता को कह दिया कि हमने तेरे लिए इतना कराया, जात कराए तेरी। वैसे घोगिया की कोई जात नहीं होती है, 8 दिन ही में पूजा जाता है, लेकिन हमने वीडियो के लिए किया था तो हमने उसे प्रॉमिस कर दिया खुशी खुशी में कि हम तेरे लिए मंदिर बना देंगे। क्योंकि मंदिर मैंने आज तक ना सुना है ना देखा है, अगर कहीं होगा भी तो इस साइज़ तक का, एक 3-4 पत्थरों का एक छोटा सा मंडलू टाइप का होगा। ये पीछे देख रहे हो आप, हमने इतना बड़ा बना दिया, क्यों बनाया, कहानी अब आ रही है। अब हमने प्रॉमिस कर दिया 8 मंथ पहले, यानी कि अप्रैल 2023 में, और प्रॉमिस करने वाला आगे मैं ही था, बाकी मेरे साथ ही इधर चाची ताई लोग थे। तो हमने प्रॉमिस कर दिया तेरा मंदिर बनाएंगे, गेट गुट लगाएंगे अच्छे से, क्योंकि मंदिर नहीं होते घोगे देवता के। उसने भी कहा ठीक है। तो शूट हुआ, वो शूट हुआ, उसमें आपने अगर वो कहानी आपने पूरी देखनी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखना, आपको ये समझ आ जाएगा क्लियरली। उसके बाद क्या होता कि फिर अप्रैल में प्रॉमिस कर दिया। अब भाई साहब मेरे भी कुछ पर्सनल काम थे, घर के काम लग गए, ये लग गया, दादी डेथ होगी बीच में, ये तो वो डिले होता रहा काम, मैं लगभग उसे भूल ही गया कि भाई ऐसा करवाना है। काम डिले होते गया, डिले होता गया, और अब लगा लो ये मंथ है जनवरी 2024 और मुझे नवंबर 2023 से कुछ सिम्टम्स आने लगे, मेरे पेट में दर्द होने लगा। अब तुम कहोगे भाई पेट में दर्द तो नॉर्मल बात है, तुम कहोगे पेट में दर्द है तो नॉर्मल बात है, डॉक्टर के पास जाओ ठीक हो जाएगा। भाई मैं डॉक्टर के पास भी गया, अल्ट्रासाउंड भी किया, दवाई भी खाई, कोई फ़र्क नहीं। और गढ़वाल में क्या होता है कि अगर आपको कुछ वो दुख दुविधा परेशानी हो रही ना, आप डॉक्टर से पहले देवता के पास जाते हो, ये लोकल में होता है हमारे, हम भी चले गए। तो भाई मम्मी पे आता है नरसिंह, भदवाणों को वीर, जय नरसिंह। तो उन्होंने कहा झूठे वचन देता है तू। मैं कहा वचन, मैं शॉक्ड हो गया। तो फिर उन्होंने इशारा किया इस तरफ अक्षत फेंके कि झूठे वचन देता तू, वही कर रहा है। मैं समझ गया कि मैंने क्या वचन दिया था। एक वो है ना कि किसी को विष दो पर विश्वास मत दो, वही सीन हो गया, मैं भूल गया अपनी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भाई मैं समझ गया कि होता है, क्योंकि जहाँ दारू दवाई काम नहीं करी वहाँ दुआ काम करती, तो ऐसा वाला सीन था। यहाँ कोई दवाई काम नहीं करी थी, दर्द हुए जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन हुई। तो फिर मैंने कहा नहीं भाई अब तो करना है,
तो फिर जो हमारे कुटुंब हैं रावत और राणा परिवार, तो उनसे हमने 500-500, किसी ने अपनी श्रद्धा से 1500 ऐसे करके पैसे कलेक्ट किए। लगभग 30,000 प्लस का बजट हो गया। तो उस बजट को लेके हमने ये क्रिएट कर दिया कि चलो तेरी श्रद्धा के लिए हम बनाते हैं। तो ये है कि गढ़वाल में क्या होता है कि कोई मंदिर है, कोई जगह है, कोई देवता है, तो उसके पीछे भी एक रीज़न होता है। तो भैया ये उत्तराखंड है जनाब, यहाँ डॉक्टर सेकंड है और यहाँ पे देव भूमि है, तो ऐसी चीज़ें होती हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो आपके इर्द गिर्द घूम रही होती है, हमारे पितृदेव हो चाहे हमारे इष्ट देव हो, कुलदेव हो। अब गढ़वाल में क्या है कि कहीं कहीं पे घुग्या देवता को घुग्या माता भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे बर्फ़ का घुग्या बनाते हैं, अलग अलग तरह से इसको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये कि मार्च मंथ में फूल, पीले फूल होते हैं, प्यूलिया फूल, तो उसको निकालते हैं बच्चे छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े भी नहीं, तो आते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में 8 और सबके घर में जाके उन फूलों को रखते हैं। तो ये ऐसा देवता है कि एक साल में सिर्फ 8 दिन पूजा जाता है, उसके अलावा ना इसके कहीं पे पूजा होती ना कुछ होती है। और हमने क्या किया था कि इस मूवी बनाने के लिए कांतारा से इंस्पिरेशन लेके हमने घुग्या बना दी, मतलब नाम था अंतिम इच्छा, लेकिन उसी के ऊपर था कि एक आत्मा है और वो चाहते कि मंदिर बने। अब लगा लो हमने कल्पना की थी कि मंदिर बने मूवी में और वो रियल में आ गई। तो कभी कभी जो हम प्रिडिक्ट करते हैं, कल्पना करते हैं, वो वास्तविक जीवन में घटित हो जाती हैं। तो ये जो पीछे अभी मंदिर है, अभी इस पर बहुत सारा काम है। इस पर हमने त्रिकोण वाला इसलिए नहीं बनाया क्योंकि जो हमारे ताऊ लोग, बुआ लोग देख रहे हैं, रावत बंधु, राणा बंधु, इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हम चाहते हैं कि ये पारंपरिक रहे। क्योंकि आजकल क्या होता है कि सारे मंदिरों में टाइल वाइल लग गए हैं, तो बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गई, मंदिर भी मॉडर्न हो गई है, सुविधा के लिए क्या बनाना, कल की डेट में कहीं पे एक मंदिर ऐसा हो जिस पे पठाली हो। भले मुझे पता है अगर ये थोड़ा मान्यता बढ़ी, टाइम बढ़ा, तो ये भी चेंज हो जाएगा। एक कोशिश थी मेरी, मैं अकेले की नहीं कहूँगा, क्रेडिट खुद नहीं लूँगा, जो रावत और राणा बंधु है सबके सहयोग से ये मंदिर बना है और जो हमने प्रॉमिस किया था आज जाके पूरा हुआ है। और वही है ना कि किसी को विश दे दो विश्वास मत दो, वही सीन हो रहा था। तो ये वाली चीज़ हमने पूरी कर ली और मंदिर को बनाया है तो हमारे 80-82 साल के बूढ़ा जी, मतलब इस गांव में जितने भी लगभग घर होंगे, पुराने घर या अभी भी कुछ घर जिन पे उन्होंने काम ना किया हो, तो बूढ़ा जी पूर्व प्रधान श्री जीत सिंह राणा अनोखे कलाकार, मतलब हर चीज़ बना लेते, कुछ भी बना लेते, इंजीनियर हैं, लगा लो उस ज़माने के इंजीनियर हैं 5 पास। तो बुड्ढा जी और सेन सिंह ताऊ जी ने ये बनाया है, सेन सिंह नेगी जी, तो उनके सहयोग से यहाँ पे बना है और थोड़ा भी काम बहुत है इस पे बाकी। तो एक कोशिश थी हमारी। तो उत्तराखंड में रहना मतलब देवताओं के बीच रहना, और कुछ लोग कहेंगे कि ये कहाँ की बात को कहाँ लिंक किया जा रहा है, ये इसलिए इस पे वीडियो बनाई जा रही है ताकि आने वाली पीढ़ी देखे कि इस मंदिर का रहस्य क्या था बनने का। अभी हम आपको दिखाएंगे कि पहले की स्थिति क्या थी, कि कैसे दो पत्थरों के बीच एक पत्थर को घुग्या मान के रखा था और वहाँ पे एक सोल विराजमान थी, एक आत्मा वहाँ पे रहती है, जो जब हम फूल दे का त्यौहार करते हैं तो वो आत्मा प्रकट होती है, आती है, अवतरित होती है। तो हमने उसके रहने के लिए एक अपने छोटे से प्रयास से एक बना दिया है और आने वाली पीढ़ी शायद इसमें कुछ और सुधार करे, और मॉडर्न बनाए, क्या क्या बने, लेकिन एक कहानी ये हमेशा उन लोगों के लिए रहेगी जो इसके बारे में जानना चाहेंगे क्या था, क्यों है। तो हमने कोशिश की है और आई होप आप रावत बंधु, राणा बंधु कुछ इसमें और सहयोग करना चाहे और ऐसी अपनी जो रीति रिवाज, परंपराएं, देवताएं हैं उनको भी उत्थान करते रहिए। और धन्यवाद करूंगा सबका क्योंकि पॉसिबल नहीं था अकेले करना, ऐसा नहीं कि प्रॉमिस सिर्फ मेरा था, प्रॉमिस सबने किया था, लेकिन एक संकेत होता है ना कि पेट दर्द हो गया लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, और हम जब पूछ करने गए तो वही कि वो है और उसको जल्दी करा ले जो तूने कहा है। तो हमने क्या किया, आपको फुटेज दिखा देता हूँ, हमने यहाँ पे बुलाए छोटे से बच्चे पे, 8 साल के बच्चे पे अवतरित हुआ, हमने कहा
तुझे जहाँ पे थान चाहिए कर। तो उसने अपने पुराने स्थान से अपना एक पत्थर उठाया और सीधे यहाँ पे ला गया, यहाँ पे रख लिया कि मुझे यहाँ पे बैठना है। तो हमने कहा ठीक है, तो साथ में हमारे कुल देवता भी थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, अब उसने अपना थान ले लिया, तो अपना काम करो बिंदास होके। क्योंकि ऐसे कार्यों में क्या होता है, जब भी हम या घर बनाते हैं कुछ, तो देवताओं से पूछते हैं कि स्थान सही है नहीं है, तो हमने यही किया था, तो ठीक है हमने बना लिया। तो ये थी कहानी हमारे घुघिया देवता की, 8 दिन पूजे जाने वाले घुघिया देवता की। तो दोस्तों, कुछ चीज़ें जो हम काल्पनिक करते हैं वास्तविक जीवन में घटित हो जाती है, और ये नहीं है कि हम सिर्फ मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। ये मैंने फील किया है, मैंने उस सोल को फील किया है, और बहुत सारे अप डाउन देखे हैं। और होता है ना कि प्रॉमिस करो तो पूरा भी करो, तो भाई इंसान से बोलो कोई बात नहीं, देवताओं से नहीं करनी चाहिए। तो ये अपने संकेत देते रहते हैं। तो ऐसा कुछ कहानी थी घुघिया देवता की, आई होप आपको पसंद आई होगी। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, मिलेंगे ऐसे ही कुछ किस्सों के साथ अगर कभी घटित हुआ। थैंक यू।